హలో ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ ఆకాంక్ష. ఆకాంక్ష హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్ మే ఆప్కా స్వాగత్ హై. టుడేస్ టాపిక్ ఇస్ ప్రతిరోధక క్షమత బడానే కే ఉపాయ. జీ హా దోస్తో, ఆజకల్ కి భాగదౌడ్ భరి జిందగీ మే హమ్నే అప్నా లైఫ్ స్టైల్ ఎసా కర్ లియా హై కి హమారీ జో ప్రతిరోధక క్షమత హై, యానీ కి రోగో సే లడనే కి హమారే శరీర్ కి జో క్షమత హై వో బహుత్ కమ్ హోతీ చలీ జా రహీ హై, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं और वो फिर ठीक होने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं. तो आज मैं आपको आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय बताऊंगी. तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें दैनिक जीवन शैली को बहुत अच्छा बनाना होगा, जिसके लिए निम्न कुछ बिंदुओं पर ध्यान देकर अपने को उसके अनुरूप ढालने की आपको आवश्यकता पड़ती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला है कि प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है, यानी कि सुबह आपको जितना हो सकता हो आपको आप जल्दी उठने की आदत डालें तो बहुत अच्छा रहता है. कहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो हमारी शरीर के लिए वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो सुबह का समय होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है. और हमारा दिन जल्दी स्टार्ट होता है तो हम जल्दी अपना नाश्ता कर लेते हैं और सारे काम अपने सही से निपटा पाते हैं. और जिससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर का मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ा हुआ रहता है, तो जिससे हमारे बॉडी बहुत सही रहती है और हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी की वो बढ़ जाती है. सेकंड नंबर आता है कि हमें नियमित आहार, व्यायाम और योगासन से दिमाग में जो बीटा एड्रोफिन तथा खून में पायरोजिन का रिसाव बढ़ जाता है और श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या भी बढ़ जाती है. इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है और जिससे कैलोरी घटाने में सहायता मिलती है. थर्ड आते हैं हमारा जो आहार होता है, यानी कि हम जो डाइट लेते हैं उसके बारे में. प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हमें अपने आहार के द्वारा इसे सही रखना चाहिए. जैसे हमें अपनी डाइट में आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, शुद्ध व ताज़ा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए. जी हाँ, इनसे हमें विटामिन सी, बी और विटामिन बी वन और विटामिन बी सिक्स और विटामिन बी ट्वेल्व और प्राप्त होते हैं, जिनसे शरीर में एंटीबॉडीज़ के निर्माण की प्रक्रिया बढ़ जाती है और जिससे खून का निर्माण होता रहता है. और विटामिन बी टू जो सोमन, दिमाग, गुर्दे, दिल व लीवर को प्रभावित करता है, खान पान से ही प्रभावित होता है. जी हाँ, इसके लिए छिलके वाली दाल, चना, गेहूँ, मूंगफली, दूध, दही, छाछ, तिल, आलू, प्याज, चुकंदर, लहसुन और पत्ते वाली हरी सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए. और विटामिन बी सिक्स के लिए भी इन सभी चीज़ों का सेवन करना आवश्यक होता है. जी हाँ, और विटामिन बी ट्वेल्व हेतु सभी जो मैंने अभी आपसे बताए खान पान के अतिरिक्त प्रदूषण रहित झरनों कुओं से भी इसमें लाभ मिलता है. हाँ, इसमें बहुत अच्छा, अगर अपने आहार को आप रखेंगे, अपनी डाइट को अगर अच्छा रखेंगे तो आपके जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है. फोर्थ नंबर आता है अच्छी गहरी नींद. जी हाँ, प्राकृतिक जीवन शैली हेतु गहरी नींद द्वारा नई ऊर्जा, आरोग्य एवं शक्ति प्राप्त होती है. सोते समय दिमाग की संचार प्रणाली को ठीक रखने हेतु सभी श्राव ने न्यूरोग इत्यादि संतुलित होकर हमें अच्छी नींद लेने में सहायक होते हैं. नींद के लिए सेरोटोनिन का स्राव बढ़ना आवश्यक होता है. नींद के द्वारा ही शरीर की थकान मिटकर शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है. हमारे शरीर की थकी हुई मांसपेशियां, शरीर के विभिन्न अंग तथा स्नायु कोशिकाएं ऊर्जावान होती हैं. नींद हमारे शरीर के लिए संजीवनी का काम करती है. जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छी गहरी नींद लेंगे तो हमारी सारी जो कोशिकाएं हैं वो बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगी. नेक्स्ट नंबर आता है 5, भरपूर जल सेवन. जी हाँ, हमें प्रतिदिन 10 से 15 गिलास पानी, जिसमें सवेरे खाली पेट जब आप टॉयलेट जाते हैं उससे पहले
एक या दो गिलास पानी पीना शरीर के लिए लाभदायक होता है। इससे आमाशय की धुलाई हो जाती है, पाचन क्रिया सुधरती है, आंतों की गति नियमित व नियंत्रित हो जाने से पेट में कॉन्स्टिपेशन इत्यादि नहीं होता। इससे खून में पानी की मात्रा ठीक रहने से खून पतला रहता है, पसीना आता है और टॉयलेट बढ़ता है, तथा इन सब के बढ़ने से शरीर में एकत्र जो विजातीय पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और इन पदार्थों के बाहर निकलने से अगर ये नहीं निकलेंगे तो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी, और जब ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बॉडी की बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ नियम जिनसे आप अपनी बॉडी की रोगों से लड़ने की क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ये कुछ नियम अपनी जीवन में शामिल कर लेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में इसको ऐड कर लेंगे, तो आपको अपनी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों व फ्रेंड्स व फैमिली में शेयर करना ना भूलें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सबको मिल पाए। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ मैं अपनी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।